क्वेश्चन है, रेनफॉल जो है एक सिटी में 30 डेज की आपको दे रखी है, ठीक है। ये आपकी रेनफॉल जो है वो है आपकी मिलीमीटर में। अब टोटल ये आपको 30 डेज की दे रखी है और हमें इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में कंस्ट्रक्ट करने का, वो हम इंटरवेल्स लेके करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक में जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उसमें ये भी गिवन होगा कि कम से कम ये एक इंटरवेल इंक्लूड करो। तो अगर वैसा बुक में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। लेकिन मैं नहीं ले रही, राइट। अब इसमें जब हम बनाएंगे, पहले हम देखेंगे ये है क्या, ये सारी वैल्यूज क्या है। ये है हमारा रेनफॉल, तो हम यहां लिख लेंगे रेनफॉल। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टेलीमार्क, और फिर वो फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ये क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज, यानी जो ये हम काउंट करेंगे कि भाई 11 सेंटीमीटर कितने दिन हुआ रेनफॉल, तो वो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है जी, अब हम इसमें जब ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इंटरवेल्स को लेके, तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। मिनिमम कौन सी है, 5, है ना, और मैक्सिमम, मैक्सिमम 35 है, मैक्सिमम 35 है, ठीक है। तो अगर अब मैं इंटरवल लेती हूँ, देखो मैं 0 to 5 लेती हूँ, तो 0 to 5 लेने का तो कोई यूज है ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 जो है वो किसमें आएगा, इस 5 में तो आएगा नहीं, किसमें आएगा, क्योंकि मेरी मिनिमम वैल्यू 5 है। अब मैंने यहाँ कितने का गैप लिया, 5 का। तो हम जितना गैप लेते हैं ना दो वैल्यूज के बीच में, उसको हम कहते हैं क्लास साइज। तो ये आ गया आपका 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। हाँ जी, अब लास्ट मेरी वैल्यू जो थी वो 35 थी, तो ये 35 मुझे एक और लेना पड़ेगा। अब इससे आगे भी लूं? नहीं, इससे आगे लेने का कोई यूज नहीं है। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे, वो हमें ये बताएगा कि हमें इंटरवल्स कितने का लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस हमारी हो गई। तो जब आप कोई भी इंटरवल बनाओगे तो आप ध्यान रखना क्लासेस 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए, 5 से कम ना बने और 10 से ज्यादा ना बने, तो वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ओके। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। आप कृपया करके ऐसे मत करना 11, अच्छा ये 5 से 10 है, अच्छा ये 1, 5, फिर यहाँ ऐसे देखो 2, ऐसे आपने लिख दिया, ये मेथड मत लेना, इससे रॉन्ग हो सकता है। हम अपना वैसे ही चलेंगे 11 किसमें आएगा, 10 to 15 में, फिर 11, 10 to 15। मेरी तो आदत है जो वैल्यू मैं लेती जाती हूँ वो मैं कट करती जाती हूँ। फिर 9 किसमें आएगा, 5 से 10 में, फिर 5, हमेशा ये देखो 5 और 10, 5 इसमें आएगा। अब 10 भाई हम इसमें ले या इसमें ले, इनको कहते हैं हम लोअर लिमिट और इनको कहते हैं हम अपर लिमिट। फर्स्ट वाले इंटरवल में हमारी वैल्यू आ सकती है 5 से 9, दूसरे वाले में आएंगी 10 से 14 तक, 15 से 19 तक। तो जब ये हमें मिलेगा, हमने 9 ले लिया, फिर 5 ले लिया, अब फिर हम लेंगे 8, फिर हम लेंगे 10। तो अब ये 10 जो है हमारा ये लोअर लिमिट में इंक्लूड होगा, अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा, ओके। ऐसे करके आप ये टेबल बना लीजिए, 11 आया, 11 इसमें आया, 9 ऊपर वाले में, 33 यहां जाएगा, 30 से 35 के बीच में, फिर 33 अगेन सेम ईयर, 25 यहां लोअर में लेंगे, 25 फिर 33,
33, 21, 21 आपका यहाँ आ गया, 19, 19 आपका यहाँ आ गया, 21 वो यहाँ आ गया, 17, 17 ये रहा, 19, 19 भी यहाँ पे आ गया, 12, अब देखो 4 हो गई ना, जैसे ही ये 12 आएगा तो हम इसको ऐसे काट देंगे, फिफ्थ जो है वो हमारा यू कटा हुआ होना चाहिए, राइट ये सारी वैल्यूज हमने ले ली है 12 पे आ, तो फिफ्थ का आते ही आप लोग इसको क्रॉस करोगे, राइट अब ऐसे आपको ये सारा कंप्लीट करना है, करो कंप्लीट जी, ये पूरी आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, फाइव का लेते ही आप नेक्स्ट आगे फिर वैसे ही शुरू कर दोगे, तो ये सारा आपको ऐसे करना है, मैं बार बार कह रही हूँ बीच बीच में काउंट करके मत लिखना, और जब तुम करते हो तो ये काटते जाओ, ये ज्यादा बेहतर है, इससे अगर कोई बीच में प्रॉब्लम भी आ जाती है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कहाँ से कंटिन्यू करना है, टेबल सही बननी चाहिए, चलिए अब पहले हम निकालते हैं क्लास साइज क्या है, क्लास साइज ये गैप कितने कितने का है, हर एक में सेम है ना 5, तो हमारा क्लास साइज है 5, फिर हम निकालते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, अब जैसे मैं कहती हूँ फाइंड क्लास मार्क ऑफ, क्लास मार्क ऑफ फिफ्थ इंटरवल, ओके तो आपका फिफ्थ कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका फिफ्थ इंटरवल, इसकी लोअर लिमिट है 25, अपर लिमिट है 30 अपॉन 2, ये सॉल्व करके आपके पास क्लास मार्क ठीक है ना, इनको आगे वाले को हम कहते हैं लोअर लिमिट और इनको हम कहते हैं अपर लिमिट, अब आपको दिए हैं मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ये हैं, और फिर से आपको प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन अब देखो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4 और मैक्सिमम 10, तो 4 और 10 में हम क्या इंटरवल लेंगे, कोई भी हम इंटरवल नहीं ले सकते ठीक है ना, तो इसीलिए अब इसको करने का दूसरा तरीका है, आप क्या लिखोगे मार्क्स, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो इधर है 4 भी आ रहा है मार्क्स, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, अब फिर हम करेंगे टैली मार्क, और फिर से हम ये क्या आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर से भाई 8 में आपका यहां आ गया, 9 9 के आगे, 6 6 के आगे, 4 4 के आगे, 5 9 9 10 4 7, अब आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लो, ओके अब आपकी ये टेबल फिनिश हो गई, इसका मतलब क्या है, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना, अब मैं पूछती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, आप क्या आंसर दोगे, 3 स्टूडेंट्स, अब मैं कहती हूँ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर मोर देन 7, जिन्होंने 7 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 7 से ज्यादा मतलब 8 9 10 हो गया क्लियर, कितने मार्क्स आ गए इसमें, 8 9 10 20 है ना अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने 20 अभी को प्रोबेबिलिटी भी दे सकती हूँ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 6 यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन्होंने 6 नंबर से 6 नंबर से कम सिक्योर किए हैं, 6 नंबर से 4 और 5 कितने स्टूडेंट है, 7 by 20 फेवरेबल 7 और हमारी टोटल हो गई 20, तो आंसर आ गया 7 upon 20,
ठीक है, अभी भाई मोर देन सेवन की निकाले तो यहाँ था टेन, तो मोर देन सेवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 10/20 यानी हाफ हो गई। ठीक है जी, तो इसमें ऐसे बना के फिर आपके प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे।